तो दोस्तों काफी बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लेकर। वेतन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे करीब 48.41 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका लगेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ लगभग 50 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों को भी मायूसी हाथ लगेगी। सरकार ने संसद में जो जवाब दिया है उससे 3.68% फिटमेंट फैक्टर के तहत सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ा झटका लगेगा। देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों ने सरकार के सामने फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की मांग रखी। कर्मचारियों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68% किया जाए। इसी को लेकर राज्यसभा में दो सांसदों रवि प्रकाश वर्मा और नीरज शेखर ने वित्त मंत्री से सवाल किया। उन्होंने सरकार से पूछा क्या सातवें वेतन आयोग द्वारा तय किए गए 2.57% फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। राज्यसभा में पूछे गए इस सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पी राधाकृष्णन ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में किसी भी तरह के बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.57% निर्धारित किया गया है जो बरकरार रहेगा। ये फिटमेंट फैक्टर सब पर एक समान लागू होगा। उन्होंने साफ साफ कहा कि इसमें बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्यसभा में सरकार से पूछा गया क्या सरकार HRA को 24% से बढ़ाकर 30% करने की तैयारी कर रही है। इस पर वित्त राज्य मंत्री पी राधाकृष्णन ने कहा HRA को पहले ही रिवाइज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 6 जुलाई 2017 को HRA को रिवाइज किया गया था। इसके मुताबिक X, Y और Z कैटेगरी के शहरों के मुताबिक यह बेसिक सैलरी का 27%, 18% और 9% होगा। सरकार के इस जवाब से केंद्रीय कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है। सरकार ने दूसरी बार केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों को अनसुना कर दिया है, जबकि उन्हें उम्मीद थी कि वित्त मंत्री अरुण जेटली उनकी मांगों पर विचार करेंगे। तो दोस्तों काफी बड़ी न्यूज निकल कर आई है। वित्त राज्य मंत्री पी राधाकृष्णन ने जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि फिटमेंट फैक्टर 2.57% निर्धारित किया गया है जो बरकरार रहेगा। और दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके अपनी राय बताइए, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार कोई बड़ी घोषणा कर सकती है या फिर नहीं करेगी। जो भी आपकी राय हो प्लीज कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।